माजूरों के अस्पताल जैसा ये मंजर रावलपिंडी के मजाफाती गांव शाहपुर सईदा के मोहम्मद शरीफ और मजीद बेगम के घर का है। इन बदनसीब बूढ़े वालदैन के दो जवान बेटे और एक बेटी माजूर हैं। बच्चे जब तक छोटे थे सादा लो माँ बाप इन्हें दवा और दुआ के लिए ले जाते रहे, लेकिन अब मायूस होकर इन्हें अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया है। बूढ़ा मोहम्मद शरीफ मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाता है माजूर बच्चों को खिला देता है। बूढ़ी मजीद बेगम अपने माजूर बच्चों को खुद नहलाती और खिलाती पिलाती है। दुखियारी माँ अब भी रो रो कर दुआ मांगती है कि खुदा इसकी बेटी और बेटों को सेहत याब कर दे। हर वेले ने यही सोचा चारे बिच रहने आज लेटो। मोहम्मद शरीफ की बूढ़ी हड्डियां माजूर बच्चों का भारी बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। वो अरबाब इख्तियार से फरियाद कुना है कि कुछ और नहीं तो इसके बच्चों के लिए महाना वजीफा ही मुकर्रर कर दिया जाए। कोई जरिया नहीं है जैसा इन बच्चों की बच्चे उन पे वे इसको ओखा तंग सख्तियां ती कोई अमदाद होनी है तसा बच्चे खिला पिला। जिस्मानी और जहनी माजूरी के शिकार नफीस शगुफ्ता और फरीद का दिल बहलाने के लिए वालदैन ने तीतर चिड़ियां और तोते पाल रखे हैं। मोहम्मद शरीफ को बुढ़ापे के साथ साथ ये फिक्र सताती है कि इसके बाद इसकी माजूर औलाद का सहारा कौन होगा। इसके चेहरे की बेबसी हुकूमत और इमदादी इदारों से कई सवालात पूछती है। कैमरामैन जैफत अब्बासी के साथ वसीम मलिक समा शाहपुर सईदा रावलपिंडी।